हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था सहलग्नता, उसी टॉपिक में आगे हम पढ़ते हैं। सहलग्नता के प्रकार में दूसरा प्रकार अपूर्ण सहलग्नता। इसके पहले हमने आप लोगों से बात की थी पूर्ण सहलग्नता के बारे में, आज हम अपूर्ण सहलग्नता को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि इसमें एक विशेष नया शब्द जुड़ता है, जीन विनिमय। बाकी सारा का सारा पूर्ण सहलग्नता या सहलग्नता के अनुसार ही है। देखिए क्या है, जब समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है तथा इससे अगली पीढ़ी की संतानों में पैतृक प्रकार तथा पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस प्रक्रिया को अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। देखिए उसमें क्या था कि जीन विनिमय ऐसा कोई शब्द नहीं पड़ा था। हमने आपको बताया था कि पूर्ण सहलग्नता में गुणसूत्र यानी जो है एक ही गुणसूत्र पर जीन पास पास स्थित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अलग भी नहीं होते हैं, यानी साथ बने रहते हैं, जिसके कारण संतानों में जो है पैतृक लक्षण ही पहुंचते हैं। परंतु यहाँ पर उसके थोड़ा विपरीत है और एक नया शब्द जुड़ता है आपका जीन विनिमय, जिसको इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर कहते थे। आपको बताया है कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या होता है, फिर दोबारा बता रहे हैं कि जीन विनिमय अर्ध, आपको पता है कि जब समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन होता है तो उस समय गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की उपावस्था पैचीटीन में गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। अर्थात गुणसूत्रों के जो जीन्स यानी गुणसूत्रों पर जो जीन्स उपस्थित हैं वो गुणसूत्रों के खंडों का बंटवारा हो जाने के कारण एक दूसरे में यानी लेन देन कर लेते हैं, एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाता है, उसे जीन विनिमय कहते हैं। तो वही एक नया शब्द यहाँ पर जुड़ा है, जीन विनिमय। देखिए फिर आपको समझाते हैं कि जब समजात गुणसूत्रों के बीच यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जो समान गुणसूत्र होते हैं और जिनसे दैहिक लक्षणों का विकास होता है, और जबकि इसके विपरीत आपको पढ़ाए हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र, जिससे आपकी कायिक लक्षणों और लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, या आप पीछे पढ़ करके आए हो, तो समजात गुणसूत्रों में दैहिक लक्षणों का विकास होता है और समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे गुणसूत्र जो समान गुणसूत्र होते हैं उनके बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की उपअवस्था पैसिटीन में गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, यानी जीन विनिमय की क्रिया होती है। तो इस जीन विनिमय की क्रिया के कारण अगली पीढ़ी की संतानों में पैतृक प्रकार तथा पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पैतृक प्रकार के लक्षण तो सहलग्नता और पूर्ण सहलग्नता में भी उत्पन्न हो रहे थे, परंतु यहाँ पर एक नया शब्द आया है, पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी जो पैतृक लक्षण हैं वो भी उत्पन्न होते हैं परंतु कुछ नए लक्षण भी जुड़ जाते हैं, और वो नए लक्षण जो होते हैं वो इस जीन विनिमय के कारण होते हैं, यानी गुणसूत्रों का बंटवारा या गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान हो जाने के कारण जो इसके ऊपर उपस्थित जीन्स हैं वो जीन्स बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी सारे जीन्स नहीं परिवर्तित होते हैं, कुछ ही जीन्स परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण कुछ जीन्स परिवर्तित होते हैं जिसके कारण पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उनके कारण पैतृक प्रकार के लक्षण
संतति में पहुँचते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, जिससे पैतृक प्रकार के लक्षण तथा पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण अगली पीढ़ी में या संतति में पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। देखिए क्या था, अगर हम ये शब्द यहाँ से हटा देते हैं, पुनर्संयोजित और जीन विनिमय हटा देते हैं, तो ये परिभाषा आपकी पूर्ण सहलग्नता या पूर्ण सहलग्नता पे सटीक बैठेगी। समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर नया शब्द यहाँ पर जो आया जीन विनिमय, यानी जीन विनिमय की क्रिया जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें पूर्ण सहलग्नता में गुणसूत्र साथ बने रहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अलग अलग नहीं होते हैं और साथ बने रहते हैं, जिसके कारण उनकी वंशागति सह वंशागति होती है। परंतु यहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, यानी गुणसूत्र का लेन देन हो जाता है, जिसके कारण अगली पीढ़ी की संतानों में पैतृक प्रकार के तथा पुनर्संयोजित प्रकार के जो सहलग्नी जीन नहीं हैं, वो जो परिवर्तित नहीं हुए हैं, उसके कारण पैतृक प्रकार के लक्षण यानी पुरानी पीढ़ियों के अनुसार के लक्षण और नए लक्षण पुनर्संयोजित यानी सभी लक्षण संयोजित होकर के कुछ नए लक्षणों का विकास हो जाता है। और वो नए लक्षण जो आते हैं वो जीन विनिमय के कारण आते हैं। इसलिए ये जो प्रक्रिया है अपूर्ण सहलग्नता कहलाती है। इसके अलावा अपूर्ण सहलग्नता क्या है वो और भी अच्छे से थोड़ा नीचे समझेंगे। दिया गया है कि अपूर्ण सहलग्नता में सहलग्न जीनों के एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, जो पहली लाइन दी गई है कि अपूर्ण सहलग्नता में सहलग्न जीनों के एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये संभावना किस लिए बढ़ती है, आप ऊपर एक नया शब्द सुने हो जीन विनिमय, और आपको पता भी है जीन विनिमय के कारण गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। तो अपूर्ण सहलग्नता में सहलग्न जीनों के एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण जीन के मध्य की दूरी, यानी इसका जो प्रमुख कारण है, यानी वो तो सबसे पहला कारण है जीन के मध्य की दूरी व अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की उपावस्था पैकी तीन में जीन का विनिमय। ठीक है, ये दो तीन शब्द जो हैं बहुत इम्पोर्टेंस हैं, इसमें इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं के कारण अपूर्ण सहलग्नता जैसी स्थिति बनती है। अब देखिए क्या है, यही बताया कि पूर्ण सहलग्नता में गुणसूत्र अलग अलग नहीं होते हैं, पास बने रहते हैं और सहवंशागत भी होते हैं और पीढ़ी के साथ स्थानांतरित भी होते हैं, यानी जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे पैतृक लक्षण भी स्थानांतरित होते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है कि सहलग्न जीनों के एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी जब ये संभावना बढ़ती है जीन के अलग अलग होने की, उसी के कारण ही जीनों के जो पैतृक लक्षण हैं उनके साथ साथ में नए लक्षण भी जुड़ते हैं, और नए लक्षण जो जुड़ते हैं वो पुनर्संयोजित लक्षण कहलाते हैं, यानी पुनर्संयोजित दोबारा सभी प्रकार के लक्षण मिश्रित होकर के एक नए लक्षण का विकास होता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताया था कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराते थे तो वहाँ पर उसका जो रिजल्ट आता था पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार, वहाँ पर सभी पौधे संकर प्रभावी लंबे उत्पन्न होते थे। तो संकर क्यों हो जाते थे, क्योंकि लंबे पौधे के भी गुण आए और बौने पौधे दोनों के गुण आए, जिसके कारण पौधा संकर बन गया, और संकर बना यानी कि हाइब्रिड बन गया, दोनों के मिश्रित लक्षण हो जाने के कारण और एक नया गुण उत्पन्न हुआ, यानी लंबा और बौना दोनों से एक नया लक्षण आया जिसे हम संकर कहते हैं। और जबकि पौधा कैसा हुआ, लंबा ही लंबा प्रभावी होने के कारण आया था। ऐसा हम पीछे प्रभाविता के नियम में पढ़ के आए हैं। तो वही लाइन यहाँ भी सटीक बैठती है कि जब
सभी प्रकार के लक्षण पुनर्संयोजित होते हैं तो एक नए प्रकार के लक्षण का जन्म होता है जिसके कारण संतति पैतृक या पितृजों से भिन्न उत्पन्न होती है, यानी पितृजों के लक्षण से संतति के लक्षण में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर ये दो लाइनें दी गई बहुत इम्पॉर्टेंट कि अपूर्ण संलग्नता में संलग्न जीनों के एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जीन के मध्य की दूरी व अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाला जीन विनिमय है। गुणसूत्रों के बीच यानी गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन्स हैं उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है कि वो कितने जो है नए लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संलग्नता में आपको बताया कि एक ही गुणसूत्र पर जीन्स पास पास स्थित होते हैं और साथ चिपके भी रहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बावजूद भी वो जो है अलग नहीं होते हैं, पृथक नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर पृथक हो जाते हैं, पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि जो संतति है उसमें पैतृक प्रकार के लक्षण के साथ साथ एक नया लक्षण भी पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण यानी नए लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। तो नए लक्षण विकसित हो जाते हैं जिसके कारण वो जीन्स पूर्ण संलग्नी नहीं है, यानी जब पूर्ण संलग्नी होते तो पैतृक प्रकार के ही लक्षण जाते, तो पूर्ण संलग्नी ना होने के कारण अपूर्ण संलग्नी होंगे, जब नया लक्षण विकसित करेंगे तो वो हमारे इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाएगा या अपूर्ण संलग्नी जीन कहलाएंगे। आज यही टॉपिक था आपका, अपूर्ण संलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज समाप्त हुआ। बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी आप इसको अच्छे से लिख करके जो है समझ लेना, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में भी संलग्नता पूछा जाता है, संलग्नता पूर्ण संलग्नता अपूर्ण संलग्नता। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि संलग्नता शब्द का या लिंकेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप इसका उत्तर लिखोगे सटन एवं बॉवेरी ने जो है संलग्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ।